फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो भी एक मैच होने वाला है जैपनीज लीग का, ओसाका वर्सेस योकोहामा के बीच। तो योकोहामा जो मैच होने वाला है, तो यहाँ पर इस मैच की फाइनल टीम अगर हो सकी दैन मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारी टीम्स आती हैं लिमिटेड, मतलब एक दो दिन की ओपन, तो इसका लिंक नीचे है। बट हम बात करें इस वीडियो के अंदर, हम किसी भी चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, बात करें इस मैच की। तो एक तरफ जापान अंडर 23 का मैच हो रहा है और एक तरफ जैपनीज लीग चल रही है, तभी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं वो गायब है, मतलब प्लेइंग में नहीं है, जिस कारण प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है आपको भी, क्योंकि टीम बनाने में ऐसे प्रॉब्लम आती है। लेकिन कोई बात नहीं। तो बात करें सबसे पहले गोलकीपर की, तो यहां से लूंगा सबसे पहले पर योही। तो आपको उन पता है कि योही एक नॉर्मल प्लेयर है और शुरू से योही एक नॉर्मल प्लेयर ही रहा है, क्योंकि YKFM वर्सेस ओसाका में यहां पे जो भी आप मतलब टीम बना लो, लेकिन जीतने के चांसेस जो रहेंगे ना वो गांबा ओसाका के रहने वाले, जिस टीम का नाम है OSK। बात करें डिफेंडर की, तो यहां से लूंगा पहला प्लेयर का नाम है रियो टकाओ को। मैं आपको लग रहा होगा मैंने क्यों लिया, लेकिन ये मानता हूं फ्लॉप जा रहा है, लेकिन फ्लॉप इसलिए जा रहा है क्योंकि वो एज अ सब्स्टिट्यूशन काफी मैचेस में खेला है, जिस कारण प्लेइंग का मतलब पॉइंट सिस्टम बिगड़ चुका है, लेकिन अपन लोग पॉइंट नहीं देखते। जे म्यूरा की बात करूं, देन म्यूरा इज अ गुड प्लेयर, ये प्लेयर ऑलवेज बेस्ट है। अगर ये एज अ फोर्थ डिफेंडर खेलता तो आज इसकी गोल की उम्मीद होती, लेकिन ये फोर्थ डिफेंडर नहीं खेलेगा आज के मैच में। जी शोजी की बात करें, देन जैन शोजी को लूँगा यहाँ पे। जैन शोजी को तो आप जानते हैं, इट्स अ कॉमन प्लेयर, जो भी मतलब आप जिसके मर्जी फेवर में चले जाओ, लेकिन दो प्लेयर तो मेन है, एक शोजी एंड के योंग गवॉन। ये तो मतलब कोई छोड़ेगा ही नहीं इनको, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी है। हाँ भाई, मतलब ये जबरदस्त गोल स्कोरर तो नहीं कह सकता, लेकिन असिस्ट स्कोरर जो कह सकता हूँ। आगे से बात करें मिडफील्डर की, देन यहाँ से लूँगा जे एल्बर को। देन यहाँ पे मैंने जो एल्बर प्लेयर लिए, ये खास तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस मैच के अंदर FKK के खिलाफ यही असिस्ट करने वाला इकलौता प्लेयर था, जिसमें कि एल्बर ने बहुत कोशिश लगाई थी। मतलब अपनी टीम की तरफ से अगर देखा जाए, वो तो बोलेंगे अब उसकी टीम वाले कि ये टॉप प्लेयर है, लेकिन अगर हम कंपेरिजन में देखें कि ओसाका के सारे प्लेयर्स को कंपेयर करके, तो ये प्लेयर उतना खास नहीं है जितना होना चाहिए। के ऑनॉस की बात करें, देन ऑनॉस को ले रहा हूँ, इट्स अ गुड असिस्ट है। देखो जब तक असिस्ट नहीं होगी तब तक गोल होगा ही नहीं, ये बात को ठान लो। तो अभी मैंने ऑनॉस के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर रिस्क नहीं ले रहा है। एंड आगे से बात करूँ मैनो की, YKFM का मैनो काफी बढ़िया प्लेयर रहा है, शुरू से इस सीजन के अंदर फ्लॉप है, क्योंकि कई बार बारी मिलती है कई बार नहीं मिलती, जिस कारण प्लेयर की फॉर्म बिगड़ गई, लेकिन अगर फॉर्म वापस आई तो भाई कोई नहीं रोक पाएगा असिस्ट करने से इसको। एंड आगे से बात करें स्ट्राइकर की, देन पैट्रिक को लूंगा मैं यहाँ पे। देखो पैट्रिक काफी मैचेस खेलता है, काफी मैचेस नहीं भी खेलता, फायदा हमें ये देखने को मिलेगा। अगर ये आज के मैच में खेलता है तो आप एक चीज से टेंशन दूर कर लो कि एक पेनल्टी कौन लेगा, पेनल्टी पैट्रिक ही लेता है अगर खेलेगा तो, नहीं खेलेगा तो पेनल्टी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ओसामी वाज आल्सो नॉट प्लेइंग फ्रॉम मैनी मैचेस तो नहीं, एक दो ये भी स्किप करता है, और उसकी जगह जो मेन प्लेयर इन्होंने दे रखा है वो है लियोनार्डो परेरा। अगर इन ये दोनों नहीं खेलेंगे तो ये होगा पेनल्टी टेकर की थोड़ी कंफ्यूजन है, वो आपको लाइनअप्स के बाद ही पता चलेगा, एंड मैच स्टार्ट होने ही वाला है थोड़ी देर के अंदर। एंड आगे से बात करें मैडा की, देन डी मैडा इज ऑल्सो गुड प्लेयर, अगर ये भी खेला देन अपना कैप्टन रहेगा, क्योंकि कैप्टन नहीं कह सकता, सॉरी वाइस कैप्टन रहेगा। बात करें कैप्टन की, देखो यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, मैंने कैप्टन मैडा को इसलिए रखा क्योंकि वो सेफ है, और वाइस कैप्टन जो है वो एल परेरा। लेकिन अगर आप मेरी बात माने, देन कैप्टन आपको रखना चाहिए लियोनार्डो परेरा को, एंड वाइस कैप्टन रखना चाहिए पैट्रिक या फिर मैडा को। बट मैडा पे आपको अगर रिस्क लग रहा है, देन पैट्रिक वॉज ए गुड चॉइस अगर खेला तो ये नहीं मेरी टीम। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।